कितने आदमी थे? दो थे सरदार। और वो? उन्हीं की बात कर रहा हूँ सरदार, वो दो थे। और तुम? हम तीन थे सरदार। वो दो और तुम तीन, मतलब उनका एक ज्यादा था? नहीं सरदार, हमारा एक ज्यादा था, हम तीन थे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अपना एक ज्यादा होता तो बराबर होता? नहीं सरदार, अगर उनका एक ज्यादा होता तो बराबर होता। एक आदमी एक्स्ट्रा था, कौन था एक्स्ट्रा? हा? अरे वो कारिया, जब ये दो आदमी वहां जा रहे थे तो इनके साथ लटक के जाना जरूरी था, वहां तेरी बहन की शादी थी। हा? अब तेरा क्या होगा रे कारिया? अरे सरदार, हम बटालिया खेलने थोड़ी गए थे कि अपना पार्टनर ढूंढने बैठते, और वैसे भी तुमने तुम्हारे चाहिए थे वो सामान ही तो कहा था कि ज्यादा आदमी लेके जाना, दो से बेहतर तीन आदमी लेके जाना। दो से बेहतर तीन, अब ये दो कितना होता है रे सरदार? जब एक और एक मिलता है तब दो होता है सरदार। और तीन? सरदार जब दो में एक मिल जाता है तो तीन हो जाता है। बहुत कंफ्यूजन, ये तो मिलावटी कंफ्यूजन है। अरे कौनो कंफ्यूजन नहीं है सरदार, अगर बचपन में कभी स्कूल गए होते तो आज ही दिन देखने की नौबत नहीं आती। एक तो वैसे ही गांव में सबल पड़े, ऊपर से तुम उस ठाकुर के हाथ कटवा दिए हो, अब उस लेट और चौक पकड़े तो कैसे समझाओ हमको कैसे? और बड़ी मुश्किल से वो मौलाना का छोकरा का नाम था उसका अहमद को पकड़ के लाए थे। गांव का सबसे पड़ाकू छोकरा था वो, लेकिन नहीं, मार दो उनको भी मार दो, अब क्या खेलो बैठ के पिट्ठू? खामोश, आपको बताना जरूरी था। सॉरी सरदार। अरे ओ कालिया, सरकार ने कितना इनाम रखी है रे हम पे? सरदार 5 रुपए। ये 5 रुपए में कितना लीटर गुड़ आ जाता है रे? अबे अनपढ़, गुड़ लीटर में नहीं किलो में आता है, होली पे खाते नहीं होगा? होली कब है होली? चार सरदार चार बसंती नाचेगी। अभी चार सौ से पहले आता है ये तीन के बाद? अरे उसका रोज का है यार। Well performed students.